आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, जीवन में कैसे भी हालात क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थितियां जीवन में क्यों ना चल रही हो, लेकिन कभी भी हार मत मानो। कभी सुख है तो कभी दुख है जीवन में, कभी मान है तो कभी अपमान है। ये जीवन का चक्र है मेरे बच्चों, ये यूं ही चलता रहेगा। लेकिन खुद को कभी भी किसी भी परिस्थिति में हारना नहीं चाहिए। खुद को हर परिस्थिति में सामान्य रखने का प्रयत्न किया करो, हिम्मत मत हारो। मैंने तुम्हारे जीवन की किसी भी मोड़ में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और आगे भी तुम्हारा साथ यूं ही निभाऊंगा। अच्छे बुरे दिन तो आते रहते हैं जीवन में, और कभी जिंदगी में अकेले भी चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि मैं तुम्हें इस दुनिया की भीड़ में कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कभी कभी तुम्हारा मन भटकने लगता है, मुझ पर से तुम्हारा विश्वास टूटने लगता है, तुम्हारी जो श्रद्धा है ना मुझ पर डगमगाने लगती है। मैं जानता हूँ क्यों घबराते हो मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारी जो श्रद्धा है मुझ पर क्यों डगमगाने लगती है, क्योंकि मैं तुम्हारी जो मनोकामना है, मन्नत है, वो पूरी करने में देर लगा रहा हूँ। तुम चाहते हो कि मैं पहले तुम्हारी मन्नत पूरी करूँ और फिर तुम मेरे पास शिरडी आओगे मेरा शुक्रिया करने, मेरा धन्यवाद करने। लेकिन मेरे बच्चों, मैं चाहता हूँ कि तुम मनोकामना पूरी होने से पहले ही मेरी शिरडी में आओ। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हें देखने को बहुत व्याकुल हूँ। और जब तुम शिरडी आओगे ना, जब तुम मेरी समाधि की सीढ़ी चढ़ोगे, तत्पश्चात ही तुम्हारी किस्मत चमकनी शुरू हो जाएगी। जब भी तुम शिरडी आओगे, तुम्हारी तकदीर मैं बदल दूंगा, और एक पर्ची पर मेरे नाम की, उसमें जो कि तुम अपनी तमन्ना लिखना चाहते थे, जो तुम्हारी इच्छा थी, वो ज़रूर लिख देना। मैं शीघ्र ही वो पूरा ज़रूर कर दूंगा। और कभी भी अपने विश्वास को खोने मत दिया करो। देर ज़रूर लगती है, लेकिन कभी भी अंधेर नहीं होती है तुम्हारे जीवन में। मैं जानता हूँ कि जो तुमने मांगा है उसमें विलम्ब ज़रूर हो रहा है, लेकिन तुम्हारे काम ज़रूर बनेंगे। तुम्हारी जो ख्वाहिश है मैं पूरी ज़रूर करूँगा। अगर कोई अभी तुम्हारे काम नहीं भी बन रहे हैं ना, या देर लग रही है उनमें, उसमें भी मैंने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, कुछ तुम्हारे लिए भला ही है उसमें, जो अभी तुम्हें नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन सब कुछ तुम्हें जल्दी ही मालूम चल जाएगा। मेरे फैसलों पर कभी संदेह या शक मत किया करो। मैं तो तुम्हारा बाबा हूँ ना, तो बाबा कहते हो तो बाबा माना भी करो। मैं हमेशा तुम्हारा भला ही चाहता हूँ मेरे बच्चों। तुम क्यों अपना आत्मविश्वास खो देते हो कभी कभी? तुम सब कुछ कर सकते हो, घबराया मत करो बस। तुम्हें यदि मौका मिले तो तुम दुनिया तक जीत सकते हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जिंदगी ने ही तुम्हें मौका नहीं दिया। तुमने तो सबको खुश रखने की कोशिश करी है, लेकिन लोगों ने तुम्हारी अहमियत नहीं समझी। तुम में सब काबिलियत है, खुद को कोसते मत रहा करो। तुम्हारे ऊपर तो मेरा आशीर्वाद है। डर डर के जीवन जीना छोड़ दो। कभी भी लोगों की ना सुना करो। जो करना चाहते हो ना, जो मन में आता है वो किया करो बस। ये ध्यान रखना कि तुम्हारे किसी भी काम से किसी को भी दुख ना हो या हानि ना पहुंचे। बाकी जो मर्जी है वो तुम किया करो। तुमने सबके सपनों को पूरा करने के लिए तो मेहनत करी है, सबका साथ दिया है, लेकिन तुम्हारे सपनों का क्या, तुम्हारी ख्वाहिशों का क्या? अब अपने लिए जीना शुरू करो, अपने सपनों को नई उड़ान दो। जो तुम करना चाहते थे ना, उसे पूरा करो। जो तुमने अधूरा सपना छोड़ दिया था, उसे अब पूरा करने का वक्त आ गया है। सुबह जल्दी उठो, व्यायाम करो, अपने खाने पीने का ध्यान रखो। अभी तुम्हारी जिंदगी कोई ख़त्म नहीं हुई है, जिंदगी जीना अभी असली शुरू हुआ है। हर वक्त मालिक का शुक्रिया अदा किया करो, उसने तुम्हें बहुत खूबसूरत दुनिया दी है, दुनिया में भेजा है। खुश रहा करो हमेशा। अगर किसी की बात आपको बुरी लगे तो दो तरह से सोचना चाहिए। पहला, अगर इंसान महत्वपूर्ण है तो आप बात को भूल जाओ, और अगर बात महत्वपूर्ण है तो आप इंसान को भूल जाओ। जीवन में कोई भी कारण हो, कोई भी बात क्यों ना हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, मन शांत रखिए हमेशा। जोर से मत बोलिए, अपने मन को शांत रखिए, विचार करिए, फिर कोई निर्णय लीजिए, क्योंकि आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी सिर्फ आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा।
जीवन में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छिपे गैर और गैरों में छिपे अपने नजर नहीं आते। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म का फल इंसान को उसी तरह खोज लेता है जिस प्रकार बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच में अपनी माँ को ढूंढ लेता है। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कर्म करता रहता है, ऐसा इंसान परमात्मा को सबसे प्रिय होता है और अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। कभी कभी हम गलत नहीं होते हैं, लेकिन हमारे वो शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके, इसलिए उस वक्त शांत रहने में ही हमारी भलाई होती है। जीवन में जब आपका सामना दुखों और परेशानियों से होता है ना, इसके बाद ही आपको ज्ञात होता है कि अपने तो सिर्फ बातों से ही अपने हैं, हकीकत में वो भी गैर ही थे। कभी कभी ईश्वर आपकी अधिक परीक्षा इसलिए लेता है क्योंकि वो आपको आपकी उम्मीद से कई गुना देने की सोच रहे होते हैं। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करने से ये व्यक्ति की सबसे बड़ी भूल होती है, मूर्खता होती है। ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है, बिना कुछ कर्म के यहाँ कुछ भी हासिल नहीं होता है। याद रखना, यदि कोई भी काम करने से पहले किसी भी तरह का डर या भय आपके मन में आ जाए तो इसका मतलब है कि उस कार्य को पूरा करने में आपको अनेक संकटों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इन संकटों का सामना करने के लिए हमें साहसी और बलवान बनना पड़ेगा। बस इतनी सी सरल बात है। मन में हिम्मत और साहस जगाकर चलिए, इस भय की यात्रा पर जीत जरूर मिलेगी। कभी कभी झूठ इसलिए जीत जाता है क्योंकि सच का साथ देने का साहस हर किसी के पास नहीं होता और झूठ सिर्फ इंसान के लोगों के साथ चलता है पर ईश्वर के सामने नहीं चलता। शरीर पर लगी चोट व्यक्ति भुला सकता है, परंतु उसके मन में लगी चोट उसे जीवन भर याद रहती है और जीवन भर पीड़ा देती रहती है। इसलिए किसी का दिल दुखाने से पहले व्यक्ति को 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि किसी के एक मजाक से या एक झूठ से किसी व्यक्ति को कितनी हानि पहुंच सकती है, वो कितना अंदर तक टूट सकता है, यही शायद अनुमान किसी को नहीं लग सकता। इसलिए हमेशा सोच समझकर मुंह से शब्द निकालने चाहिए, तोल मोल कर बोलना चाहिए, क्योंकि आपकी किसी भी बात से किसी का दिल दुख सकता है। इसलिए सोच विचार करिए और तभी बोलिए। जिस प्रकार कमान से निकला तीर वापस नहीं जाता, उसी प्रकार मुख से निकले बोल जो है वो वापस नहीं लिए जाते। सोच समझ कर ही बोलना चाहिए किसी को। इसलिए अपना निर्णय अपने पास रखिए और दूसरों का निर्णय दूसरों को खुद लेने दीजिए। अपना ख्याल रखना और खुश रहा करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना हुआ है। मैं आगे चलकर तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी जरूर दूंगा। इंतजार करना। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।